Hi friends, welcome back to my channel. मैं डॉक्टर श्वेता करलपुड़ी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ आपसे डिस्कस करने, विच इज़ आस्क्ड बाय मेनी पेशेंट्स इन माय ओपीडी, दैट इज डॉक्टर, व्हाट इज़ द राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू कंसीव. सो मोस्ट ऑफ द लेडीज़ एक क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा अभी तक एजुकेशन फिनिश नहीं हुआ, करियर में स्टेबिलिटी नहीं आया है, हमारा अभी अभी शादी हुई है, हमको थोड़े दिन रुकना है, एक दूसरे को जानना है, एंजॉय करना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, सो कितना एज तक हम रुक सकते हैं. सो फ्रेंड्स, कमिंग टू द एज एंड फर्टिलिटी इन फीमेल्स, फीमेल्स में एक कॉन्सेप्ट रहता है, दैट इज़ ओवेरियन रिजर्व. ये एक फीमेल जब उनके मदर का पेट में उनका डेवलपमेंट होते हैं, उस समय उनके बॉडी में एक सर्टेन नंबर ऑफ एग्स डेवलप होते हैं. जैसे जैसा उनका एज बढ़ते जाते हैं, ये नंबर ऑफ एग्स नया जनरेट नहीं होते हैं, वो ग्रेजुअली कम कम होते जाते हैं. सो थर्टीज़ के बाद ये एग का जो रिजर्व है, द नंबर ऑफ एग्स दैट आर रिमाइनिंग इन हर एंड द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ दिस लेडी टू गेट प्रेग्नेंट विल ग्रेजुअली रिड्यूस. एंड अनदर चीज़ रहते विच इज़ कॉल्ड फिकंटेबिलिटी, दैट इज द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ ए वुमन इन वन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल. लेस दैन थर्टीज़ ना ये जो फिकंटेबिलिटी है, द चांसेस ऑफ ए वुमन गेटिंग प्रेग्नेंट इज़ अराउंड 20%. मतलब 5 कपल्स लिया तो उसमें एक कपल कंसीव हो जाते हैं 20 ईयर्स के अंदर. जैसे जैसा एज बढ़ते जाते हैं, 30s के बाद जाते, 35 अराउंड लिया तो इट गोज़ टू 10%, एंड आफ्टर 35 ईयर्स 5-10% तक कम होते जाते. सो प्रेग्नेंट होने का जो पोटेंशियल है लेडी में, जैसे जैसा उनका एज बढ़ते हैं, 30s के बाद कम होते जाते हैं. व्हाट आई सजेस्ट इज 20s इज़ द बेस्ट एज टू गेट प्रेग्नेंट. उनका जो ऑब्स्टेट्रिक करियर है वो 30s के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड, ओवेरियन रिजर्व कम हो जाएगा, एग का क्वालिटी कम होते हैं, क्वालिटी ऑफ द एग कम होने की वजह से इवन दो ओविलेशन होता है बट उस साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं रहते हैं, इनफर्टिलिटी इश्यूज आते हैं. एंड सपोज वो कंसीव भी हो जाते हैं, प्रेगनेंसी इतना हेल्दी नहीं रहता है, मिसकैरियजेस हो सकता है, एंड देन प्रेगनेंसी माइट बी गेट कॉम्प्लिकेटेड विद जेनेटिक प्रॉब्लम्स इन द बेबी. बेबीज़ में एन्यूप्लॉइडीज, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, डाउन सिंड्रोम वगैरह हो सकते हैं. एंड देन जैसे एज बढ़ता है, प्रेगनेंसी में मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी होने का चांसेस बढ़ता है. दैट इज़ प्रेगनेंसी में लेडी को डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन, थायरॉयड, ऐसे हम स्टडीज़ देखे, लेट प्रेगनेंसीज में ये सारा मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस बढ़ते हैं. जैसा मेडिकल रिस्क बढ़ता है, ऑपरेटिव डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन का रेट भी बढ़ते जाते हैं. सो फ्रेंड्स, देर इज़ अनदर चीज़ है विच इज़ कॉल्ड अर्ली मेनोपॉज, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्यूर. कोई कोई लेडीज़ का एग्स इतना फास्ट कम हो जाता है, मे बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, उनके 35s में ही वो मेनोपॉज अचीव कर रहा है, लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज. सो नाउ यू आर रेडी, एवरीथिंग फाइनेंशियली स्टेबल हो गया, आपके पास सब कुछ है, बट जब आप प्रेग्नेंट होने के लिए सोचते हैं ना, सो आपके बॉडी में ओवेरियन रिजर्व नहीं रहता है, वो लेट हो जाते हैं. सो फ्रेंड्स, ये चीज़ आप ध्यान में रख के आपका प्रेगनेंसी आप प्लान कीजिए. एंड देन कमिंग टू द एज एंड मेल फर्टिलिटी, मेल्स में थोड़ा फर्टिलिटी 40s तक अच्छा रहते हैं. 40s के बाद क्वालिटी ऑफ द सेमेन, दैट इज़ द स्पर्म काउंट, मोटिलिटी एंड स्पर्म मॉर्फोलॉजी, ये ग्रेजुअली कम कम होते जाते हैं. एंड ऑल्सो नाउअडेज बिकॉज ऑफ जॉब स्ट्रेस एंड दिस मॉडर्न लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नाइट शिफ्ट्स करने की वजह से, लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट एंड एक्सपोजर टू स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये सारे चीज़ें होने की वजह से जल्दी ही उनका सेमेन क्वालिटी कम होते जा रहा है. सो आपका हेल्थ अच्छा मेंटेन करते करते फीमेल्स को 30s के अंदर या एंड मेल्स को 40s के अंदर प्रेगनेंसी रखने का मेरा एडवाइस है. एंड व्हाट आई यूजुअली टेल माय पेशेंट्स इज गेट प्रेग्नेंट व्हेन यू आर रेडी. व्हेन यू आर रेडी मीन्स यू शुड बी रेडी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड एज वेल फाइनेंशियली. फिजिकली व्हाट आई सेड इज 30s के अंदर है, बट किसी किसी को फिजिकली कुछ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स रहते हैं, लाइक PCOD रहता है, इरेगुलर मेंसेस होते हैं,
एंड ओबेसिटी हो सकता है, अनकंट्रोल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इश्यूज़ है, तो पहला ये चीज़ें नॉर्मल होना चाहिए, आपका बॉडी फिजिकली फिट होना चाहिए, नहीं तो ग्रोइंग फिटस, ये जो मेडिकल डिसऑर्डर्स और मेडिकल कंडीशंस की वजह से बेबी और प्रेगनेंसी अफेक्ट हो सकता है, एंड मेंटली इमोशनली, बिकॉज प्रेगनेंसी इज सच अ डिमांडिंग स्टेट, आपका बॉडी में चेंजेस होने वाला है, हॉर्मोनल चेंजेस होने वाला है, एंड यू आर गेटिंग प्रेगनेंट, यू शुड बिकम मोर रेस्पॉन्सिबल, यू आर बिकमिंग ए मदर, सो यू शुड बी रेडी मेंटली इमोशनली एज वेल एंड ऑफकोर्स फाइनेंशियली, सो फ्रेंड्स वेन एवर यू आर रेडी यू गेट प्रेगनेंट, सो आई विश यू ऑल अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी प्रेगनेंसी, थैंक यू सो मच एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़. Thank you so much.